नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नवीन गोलायत और आप देख रहे हैं PNG न्यूज़। आजकल हार्ट अटैक से बहुत युवाओं में बहुत काफ़ी मौत हो रही है, तो इस विषय पर अशोक वर्मा जी से हम मिलने आए हैं। डॉक्टर अशोक वर्मा जी गुजरात विद्यापीठ में लैंग्वेज एडवाइज़र थे और जाने माने साहित्यकार अनुवादक भी है और कई किताबें उनकी प्रकाशित भी हुई हैं। तो हार्ट अटैक के बारे में उनका क्या विचार है, चलो उनसे रूबरू होते हैं। सर, आजकल हार्ट अटैक के केस बहुत हो रहे हैं, युवाओं की अचानक मौत का क्या कारण है? जी, पहले तो नमस्कार नवीन भाई। ये जो हार्ट अटैक हो रहे हैं अचानक, इनका मुझे लगता है कि कुछ नया हुआ है। ये 2.5-3 साल में ही इतनी सारी मौतें हो रही हैं, तो कुछ नया हुआ होगा शायद। तो 2.5-3 साल में क्या नया हुआ है? कुछ नई हवा आई है, कुछ गर्मी बढ़ गई है, कुछ बारिश हो गई है। कुछ 2.5-3 साल में कोरोना आया था, तो हो सकता है ये कोरोना ही इसका कोई कारण हो। लेकिन कोरोना तो लाखों साल पहले भी था, आज भी है, लाखों साल तक रहेगा। ये इतना घातक भी नहीं था, नहीं है, नहीं आगे रहने वाला है। लेकिन इसकी डर की वजह से लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो गया लगता है, ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि डर इतना घुस गया था कि कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था, ना धूप में बैठ रहा था, और जो खुली हवा में बैठना चाहिए था तो खुली हवा में नहीं बैठे, मास्क लगा लिया, अंधेरे में बैठे रहे। तो हो सकता है ये कोरोना इसका कारण हो सकता है। कोरोना का जो वायरस होता है, वो जैसे डर गए थे कि लकड़ी पे 2 घंटे रहता है, लोहे पे 5 घंटे रहता है, कोरूगेटेड बॉक्स पे 12 घंटा रहता है, तो लोग डर गए थे, सैनिटाइज़र से हाथ धो। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि सैनिटाइज़र के ऊपर ही लिखा रहता है कि 99.99% किल जर्म्स। जर्म्स मतलब तो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया को मार रहे हैं हम, लेकिन कोरोना तो वायरस है, वो तो अभी भी जिंदा है। एक तो ये कारण भी हो सकता है कि सैनिटाइज़र का उपयोग करने से हमारे शरीर के टी सेल नष्ट हो जाते हैं, उससे भी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया। दूसरा, मास्क लगाने से खुली हवा शरीर में नहीं जा रही थी, ऑक्सीजन कम पड़ रहा था। एक ये मास्क भी एक फैक्टर था कि जो हार्ट अटैक हो रहे हैं उसका कारण। और दूसरा ये कारण था कि जो RT-PCR टेस्ट जो होता था, वो RT-PCR टेस्ट कैरी मुलच नाम के वैज्ञानिक ने बनाया था। ये एक रिसर्च टूल है, ये डायग्नोसिस टूल नहीं है, जिससे पता चलता है कि वायरस है, पर कौन सा वायरस है वो डायग्नोस नहीं होता है। तो ये RT-PCR टेस्ट से भी कई लोग घबरा गए थे कि ये इतनी संख्या बढ़ती जा रही है। RT-PCR टेस्ट, एक ही सैंपल का आप 10 बार टेस्ट करोगे तो 1-2 बार पॉजिटिव आएगा। आप 10,000 लोगों के टेस्ट करोगे तो 1-2 हज़ार पॉजिटिव आएंगे, तो केस बढ़ गए, तो लोग घबरा गए। एक घबराहट की वजह से भी ये कारण हो सकता है कि हार्ट अटैक हो सकता है। दूसरा, मुझे ये लगता है कि ये वैक्सीन, इसको आपकी चैनल के थ्रू मुझे नहीं ये शब्द का उपयोग करना चाहिए, मैं कहूँगा ये टीका, ये चॉकलेट ली है सब लोगों ने, तो ये भी एक कारण हो सकता है। क्योंकि उसकी फैक्ट शीट में लिखा हुआ है कि इससे ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ब्लड क्लॉटिंग है और शरीर का दुखना और डायबिटीज़ भी बढ़ सकती है, इन लोगों को नहीं लेना चाहिए, और ये कंपलसरी नहीं है। ये सब था लेकिन फिर भी लोगों ने ले लिया है, तो हो सकता है ये वैक्सीन भी इसकी एक साइड इफ़ेक्ट की वजह से हार्ट अटैक हो रहे हों। तो मुझे यही कहना था कि ये हार्ट अटैक आने का कारण ये हो सकता है। तो हार्ट अटैक का आप कारण मेन कोरोना को बता रहे, जो 3-4 साल में जो हार्ट अटैक से मौत हो रही है युवाओं की? नहीं, कोरोना को नहीं बता, क्योंकि कोरोना वायरस है, वो तो इसका कारण नहीं हो सकता है। कोरोना की जो
दवाई है और कोरोना का हमने जो डर की वजह से प्रिकॉशन लिया है वो प्रिकॉशन नहीं लेना था, हमको धूप में बैठना था, हमको खुली हवा लेनी थी, हमको ये अलग से ये कुछ कोरोना मरा हुआ वायरस हमको नहीं लेना था, जो चॉकलेट ले रखी हमने वो नहीं लेनी थी। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कारण हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करते करते मर रहा है और ड्राइवर बस चलाते चलाते मर रहा है, लोग नाचते नाचते गाते गाते मर रहे हैं, कसरत करने वाले फिट एकदम फिट बॉडी वाले लोग मर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो नया हुआ होगा। तो मेरा मानना ये है कि कोरोना एक कारण है, लेकिन कोरोना इतना घातक नहीं था, कोरोना का प्रिकॉशन जो लिया वो घातक था।